हेलो दोस्तों, एमटेक वायरल में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन और मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप अपने जियो सिम का जो 1 GB की लिमिट है उसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भी आपकी जियो की सिम है उस पर हैप्पी न्यू ईयर ऑफ़र स्टार्ट हो चुका है और इस ऑफ़र के बाद अब एक रेस्ट्रिक्शन लग गई है। वो ये कि आप जो अपना 4G डेटा है उसको अनलिमिटेड तो यूज़ कर सकते हो, बट सिर्फ 1 GB तक आपको अच्छी स्पीड मिलती है। 1 GB के बाद आपकी स्पीड जो है वो रिड्यूस करके 128 KBPS हो जाती है, जो कि 2G से भी बदतर स्पीड है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप उसको कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको नॉर्मल स्पीड, जो कि आपका नॉर्मल स्पीड है जिसपे आप 1 GB तक डेटा चलाते हो, अगर उसी पर डेटा चलाना है तो आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको विजिट करना है माई जियो का एप्लीकेशन। आप माई जियो की ऐप पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी जिसमें आपको माई जियो का अपना अकाउंट ओपन करना है। तो माई जियो का आप अकाउंट ओपन करोगे, उसके बाद आप साइन इन कर लेना है, और जो भी आपका स्किप करना है वो कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी जियो ऐप पे न्यू ईयर ऑफ़र। तो अब आप यूसेज पे जब क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डेटा शो होगा, जितना भी आपने डेटा यूज़ किया होगा उस पर्टिकुलर डे पे। तो मेरा आप देख सकते हो, जैसे मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ ज़्यादा, तो 10 KB हुआ है यूज़। और इसके बाद मैं बैक करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे, अब मुझे स्पीड बढ़ानी है 1 GB अगर आप यूज़ कर चुके हो तो मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे बैलेंस पे क्लिक करोगे। बैलेंस पे क्लिक नहीं करना, आपको नीचे रिचार्ज पे क्लिक करना है आपको। और उसके बाद आप यहाँ चूज़ करोगे बूस्टर, और बूस्टर में आप देख सकते हो 2 पैक्स। पहला पैक है डेटा पैक 301 रुपये का और दूसरा पैक है डेटा पैक 51 रुपये का। तो अगर आपको एक दिन के लिए ये प्लान चाहिए, एक दिन के लिए स्पीड बढ़ाना है, तो आप 51 रुपये का रिचार्ज करा सकते हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप 1 GB का LTE डेटा आपको मिलेगा, यानी 1 GB और एक्स्ट्रा यूज़ कर पाओगे एक दिन के लिए। और अगर 301 का रिचार्ज कराते हो तो 6 GB आप एक्स्ट्रा यूज़ कर पाओगे 28 दिन के लिए। तो ये प्लान काफ़ी अच्छा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो 301 रुपये का प्लान है उससे आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है और आपके सिर्फ 4 रुपये बच रहे हैं, और उन 4-5 रुपये को बचाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये तो नॉर्मल जो डेटा प्लान आप एयरटेल वगैरह में यूज़ करते हो, ये तो वही चीज़ हो गई है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप 51 का रिचार्ज करा सकते हो, या आप वेट कर सकते हो जब तक ये वेलकम ऑफर चल रहा है, तब तक आप 51 से काम चला लो। उसके बाद आपको अगर स्कीम अच्छी लगेगी तो जियो सिम यूज़ करना, नहीं तो मैं तो आपको एडवाइस देता हूँ कि सेकंड सिम के साथ आप यूज़ करो जियो सिम को, और फिर दोबारा स्विच कर लेना और इस सिम को तोड़ के फेंक देना, बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से भी आप फिलहाल एक्सटेंड कर सकते हो। अगर किसी और ट्रिक के बारे में मुझे पता चलता है तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो नीचे रेड बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, और अगली वीडियोस के लिए कुछ अच्छे और ट्यूटोरियल्स वगैरह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू।